कैन होम्योपैथी ट्रीट हाइपोथायरॉइडिज्म। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या होम्योपैथी से हाइपोथायरॉइडिज्म का इलाज संभव है और अगर है तो कैसे। यह छोटा सा वीडियो मेरे हाइपोथायरॉइडिज्म पर लिखे गए आर्टिकल पर आधारित है। इस आर्टिकल को आप मेरी वेबसाइट www.homeopathictreatmentforyou.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है और मैं डॉक्टर रोहित जैन होम्योपैथी का फाउंडर हूं। व्हाट इज हाइपोथायरॉइडिज्म? सिंपल भाषा में हाइपोथायरॉइडिज्म में थायराइड ग्लैंड की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इससे पहले हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, पहले जान लेते हैं कि हाइपोथायरॉइडिज्म में एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है। वर्ल्ड ओवर हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए एलोपैथी में एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। आप चाहे वर्ल्ड में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए थायरॉक्सिन देगा, चाहे ब्रांड नेम कोई भी हो। एचआरटी में बेसिकली थायरॉक्सिन की वो कमी पूरी की जाती है जो कि थायराइड ग्लैंड नहीं बना पा रहा है। पर अब होता क्या है कि क्योंकि आप बाहर से थायरॉक्सिन ले रहे हो तो आपका थायराइड ग्लैंड और निठल्ला हो जाता है और धीरे धीरे थायरॉक्सिन बनाना और कम कर देता है। इसके कारण आप एचआरटी पे डिपेंडेंट हो जाते हो और आपकी डोज भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो कि मैं 1997 से कर रहा हूं, कि पेशेंट थायरॉक्सिन ले रहा होता है और उसका टीएसएच लेवल भी ठीक आ रहा होता है, पर तब भी वो हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम से सफर कर रहा होता है, जैसे कि वीकनेस ऑफ मेमोरी, हेयर फॉल, ड्राइनेस ऑफ हेयर, ड्राइनेस ऑफ स्किन, डिप्रेशन, जनरल वीकनेस, वेट गेन, बॉडी एक्स, कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर मेंसेस और न जाने क्या क्या। यह बहुत आश्चर्य की बात है, पर मैं रोज ये होते हुए देखता हूं। पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता है। हम एचआरटी की जगह नेचुरल होम्योपैथिक दवाइयां देते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं नॉर्मल अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन को बनाने के लिए। इससे अंडर एक्टिव थायराइड की प्रॉब्लम, जो कि बेसिकली जड़ है हाइपोथायरॉइडिज्म की, वो ठीक हो जाती है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद जब होम्योपैथिक दवा बंद भी कर दी जाती है, तब भी पेशेंट को दोबारा से हाइपोथायरॉइडिज्म नहीं होता है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू करने के 5 से 10 हफ्तों में धीरे धीरे टीएसएच लेवल कम होने लगता है। मैं अपनी दवा के साथ साथ धीरे धीरे थायरॉक्सिन एचआरटी को भी कम करता हूं और फाइनली उसे पूरी तरह बंद भी करवा देता हूं। ये सब टीएसएच लेवल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हु कैन टेक होम्योपैथी? मेरी समझ से सभी प्रकार के हाइपोथायराइड पेशेंट्स को होम्योपैथी इलाज लेना चाहिए। वो पेशेंट्स जो अभी अभी डायग्नोज हुए हैं वो भी, और वो पेशेंट्स जो पहले से ही थायरॉक्सिन या एचआरटी ले रहे हैं वो भी। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पेशेंट्स अभी अभी डायग्नोज हुए हैं, हम उनको थायरॉक्सिन या एचआरटी चालू ही नहीं करने देते, और अगर वो पहले से थायरॉक्सिन या एचआरटी ले रहे होते हैं तो हम वो जल्दी से बंद करवा पाते हैं। क्रॉनिक केसेस जो कि ऑलरेडी हाई डोजेस ऑफ थायरॉक्सिन या एचआरटी पे होते हैं, मैं अपने ट्रीटमेंट से उनकी एचआरटी थायरॉक्सिन कम करवा पाता हूं और उनके सिम्टम्स को ठीक कर पाता हूं। होम्योपैथी में हाइपोथायरॉइडिज्म की तकरीबन 197 दवाइयां हैं। अब इन 197 दवाइयों में से कौन सी दवाई देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार रिपीट करनी है, यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर ही ढंग से कर सकता है। एक समझदार होम्योपैथिक डॉक्टर
कभी भी हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम पर ही दवाई नहीं दे देता, वो कभी भी रेडीमेड पेटेंट मेडिसिन हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं दे देता, वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, उसके हर सिम्टम को प्रॉपरली नोट करता है, वो पेशेंट के फिजिकल मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स को स्टडी करता है, फिर उसकी कंप्लीट हिस्ट्री को हर एंगल से एनालाइज करता है और उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है, उनकी पोटेंसी डिसाइड करता है और उनकी रेपुटेशन डिसाइड करता है। मैं हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरली एक या दो महीने की दवाई देता हूं और उसके बाद पेशेंट को दोबारा से रिव्यू करता हूं। हर बार पेशेंट के केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है, उसके थायराइड प्रोफाइल को ध्यान में रखा जाता है और फिर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसकी होम्योपैथी और एलोपैथी दवाइयों को फाइन ट्यून किया जाता है। होम्योपैथी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ये पेशेंट के हिसाब से फाइन ट्यून होता है और दवाइयां चेंज की जाती हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलरमेड एंड इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। होम्योपैथी में हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल होम्योपैथ ही ढंग से कर सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज करने के लिए हाई लेवल ऑफ स्किल की जरूरत होती है। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में कितना आराम मिलेगा यह निर्भर करता है कि आपने कौन सा होम्योपैथ चूज किया है। जिस तरह आजकल बैंक्स में, म्यूचुअल फंड्स में KYC होता है, मुझे लगता है पेशेंट्स को डॉक्टर को दिखाने से पहले KYD करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। मेरी राय में होम्योपैथी शुड बी फर्स्ट चॉइस इन ऑल केसेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, चाहे वो नया केस हो या पुराना, क्योंकि होम्योपैथी फास्ट काम करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। होम्योपैथी हाइपोथायरॉयडिज्म को जड़ से ठीक करती है क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है नॉर्मली फंक्शन करने के लिए, ताकि वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन बना सके। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।